अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों की फरमाइश थी कि उनको मछली थोड़ी सस्ती फराम की जाए, तो उसके लिए मैंने एक तरीका ही निकाला कि आप होलसेल ऑर्डर करें 10 किलो मछली। 10 किलो मछली में दो किस्म की आप ऑर्डर कर सकते हैं, 5-5 किलो, और उसको मैं बगैर प्रॉपरली प्रोसेस किए ना आपको भेज दूँगा। मतलब देखें, ये मछली है, ये कटी हुई है, साफ़ हुई भी है और धुली हुई भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा केयरफुली धुली भी नहीं है। ठंडे पानी में, चिल वाटर में इसको मतलब डाल के निकाला हुआ है, तो इसमें आप समझें हाफ वॉश्ड है ये। और हमने इसको प्रॉपरली, जो हमारा 1-1 किलो के पैकेट्स होते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ लोग नए भी देख रहे होंगे, जिस तरह ये पैकेट हो गए ना, बिल्कुल धोने के बाद इसको 1-1 किलो के इस तरह से जिपर बैग के अंदर बना के और रख देते हैं। ये बिल्कुल पैन रेडी होते हैं, इनको आपको कुछ भी करना नहीं है, निकाल के डायरेक्ट ठंडिया में डाल दें। तो इसमें हमारा टाइम लगता है, मतलब अभी तकरीबन 73 kg मछली है, इसको करने में हमें 5-6 घंटे मजीद लग, 4 घंटे तक एटलीस्ट और लग जाएंगे, आधा काम हो चुका है। तो उसका तरीका ये है कि ये वाली सर्विस कॉस्ट बचाने के लिए आप इस तरीके से बल्क ऑर्डर कर दें, तो आपको मछली समझें कटी हुई साफ़ हुई भी मिलेगी, लेकिन आपको एक मरतबा इसको घर में पानी से थोड़ा सा धोना पड़ेगा, इस पर उंगली थोड़ी लगानी पड़ेगी, ताकि जो ना अब हम जब वॉश करते हैं ना, जो अंदर पैकेट बने हुए उसमें एक एक पीस को अलग से उंगली लगा के उसको साफ़ करते हैं। इसको हमने काट के गंद निकाल के पानी में एक मरतबा धो के और इस तरह से रख दिया है, और बजाय एक एक 1-1 किलो के पैकेट्स बनाए, हमने एक पूरा 5 किलो का एक बना दिया है। अभी एक कस्टमर का ऑर्डर है, इनकी 5 किस्म की मछली है, 5-5 किलो। ये बांगड़ा है, ये बोई है 5 किलो, अंदर धंधिया रखी हुई है 5 किलो, ये इस्लाम जना मंगरा का फिंगर कट कर रहे हैं, देखें ये भी साफ़ सुथरा है, एक मतलब एक पानी से इनको धोना होगा मजीद, तो ये 5 किलो है। और एक और मछली है, ये सोल मछली 5 किलो। तो आप ही समझें कि टोटल 25 किलो का जो ऑर्डर है, इसके अंदर पर केजी 100 रुपीज़ का मतलब है कि 2,500 रुपये का इनको फ़ायदा हो गया। बस सिर्फ इन्होंने करना ये है कि घर में इसको एक मरतबा वॉश करके और अपने घर के बर्तनों में ये थैलियाँ अपने हिसाब से बना के और रख लेना है। तो हमारा ये जो प्रोसेसिंग टाइम बच गया, उसकी अगेंस्ट इनको 2,500 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो आज़मीन ही हर कोई 25 किलो ऑर्डर करे, कम अज़ कम 10 किलो आपको ऑर्डर करना है, और उसमें आप 2 किस्म की मछली ऑर्डर कर सकते हैं, 1 किस्म की मछली 5 किलो और दूसरे किस्म की 5 किलो। तो अब वो मैं लिखता हूँ ना, अनवॉश्ड अनक्लीन्ड, उससे लोग पता नहीं क्या समझते होंगे कि बिल्कुल ही जो है ना वो गंदी मछली आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मछली धो के साफ़ करके हम मतलब पानी में इसको धो देते हैं, लेकिन एक एक पीस को अलग से साफ़ नहीं करते। इतना काम फिर आप घर में कर लें तो आपको इंशाल्लाह इकोनॉमिकल फिश मिल जाएगी। और इसके अंदर यूजुअली छोटे साइज़ की मछली लोग ऑर्डर करते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिकल फिश ढूंढ रहा है वो रेट वाइज भी सस्ती मछली ही लेगा। तो ये मछली सारी जो मैंने आपको 5 दिखाई है, सारी जो है ना वो 500 से 600 की रेंज के अंदर है। धंधिया, सी ब्रीम, बांगड़ा, इंडियन मैकरल, बोई, मुलेट, सोल को सोल ही कहते हैं, और ये मंगरा, ये है शार्क। इसमें से एक ये जो सोल है, क्योंकि ये छोटा साइज़ है, ये 350 का है। बाकी इंडिविजुअल रेट्स तो खैर वीडियो का स्कोप नहीं है, वो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन ये 500 से 600 की रेंज की मछलियाँ हैं। इस तरीके से लेने में मतलब हाफ़ वॉश्ड और बग़ैर 1-1 किलो की पैकिंग किए बग़ैर अगर आप लेते हैं, और मिनिमम 10 किलो का आपका ऑर्डर होता है, इसमें 2 किस्म की मछली आप ऑर्डर कर सकते हैं, 5 किलो और 5 किलो, तो आपको तकरीबन पर केजी 100 रुपीज़ का फ़र्क पड़ जाएगा। और वैसे अगर आपको 1-1 किलो, 2-2 किलो चाहिए, तो मिनिमम 1 kg भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो फिर इसके मुकाबले में 100 रुपये पर केजी ज़्यादा होगा, तो वो इतनी हमारी एफर्ट लग जाती है, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा उसके लिए चार्ज होते हैं समझे। बल्कि प्राइमरी मेथड वही है, ये तो मेथड अभी मैंने निकाला है बल्क वाला, ताकि जिन लोगों को सस्ती चाहिए वो थोड़ी घर में मेहनत कर सकते हैं, तो वो भी इसको अवेल कर लें। और ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर।